प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चीन विजिट के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच रेलवे, एजुकेशन और सेवलर की एरिया में रिकॉर्ड 24 अग्रीमेंट साइन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के पीएम ली केकियांग की मौजूदगी में जिन 24 अग्रीमेंट्स पर साइन हुए हैं, उनमें से चीन के चेंगदू और इंडिया के चेन्नई में कंसुलेट बनाने और ट्रेड अग्रीमेंट्स में हेल्प के लिए कंसुलेटिंग सिस्टम किए जाने पर सहमति हुई है। रेलवे एरिया में सहयोग बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे और चाइना नेशनल रेलवेज के बीच एक वर्क प्लान पर भी साइन किया गया है। मोदी ने इस मौके पर कहा कि हमने 20 से ज्यादा अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें सहयोग के लिए डिफरेंट एरिया को शामिल किया गया है। इससे हमारे रिलेशन में मैच्योरिटी और पार्टनरशिप में पॉजिटिव डायरेक्शन दिखता है। एरिया ऑफ हाई प्रायोरिटी फॉर अस इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इंडियंस एंड चाइनीज डू नॉट नो ईच अदर वेल, much less understand each other. We have decided to take the relationship out of the narrow confines of governments in the national capitals to states, cities and our people. For the first time, India has launched a state and provincial leaders forum with any country. This is consistent with my firm commitment to cooperative federalism in India. This is the year of India in China. The next one will be the year of China in India. This will expand tourism between our two countries. We are establishing a center for Gandhian and Indian studies in Shanghai, a yoga college in Kunming and bilateral think tanks forum. भारत के कर्नाटक और चीन के सिचुआन प्रांत और भारत के चेन्नई और चीन के चांगकिंग और इस तरह हैदराबाद, किंगदाओ, औरंगाबाद और दुनहुआंग के बीच सहयोगी राज और सहयोगी शहर संबंधी समझौते किए गए हैं। अहमदाबाद में महात्मा गांधी कौशल केंद्र की स्थापना के संबंध में भी समझौता हुआ है। इसके अलावा दूरदर्शन और चीन के सरकारी टेलीविजन केंद्र सीसीटीवी के लिए ब्रॉडकास्ट पर भी समझौता हुआ है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।